हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोगिक जिस चैनल पे आपको मिलेंगे बीएससी और एमएससी से रिलेटेड सारे वीडियोस सो so, अब हम इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं सेरिकल्चर की पूरी यूनिट जो कि होगी एसवाई बीएससी से पेपर है आपका अप्लाइड जोआलॉजी इस वीडियो में आपको मोर देन एटी एम मिलेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके ऑनलाइन एग्जाम्स के लिए okay. सो शुरू करते हैं सेरिकल्चर की यूनिट जिसमें पूरी सेरिकल्चर्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगी सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए So, पहला क्वेश्चन है वायरल डिसीज ऑफ इज़ आर सम पेब्रिन टुकड़ा इसका आंसर जो होगा वो होगा ग्रेसरी ऑफ सिल्क वर्म क्वेश्चन नंबर टू है विच इंस्ट्रूमेंट इज नॉट यूज एट द टाइम ऑफ स्पिनिंग ऑफ वर्म लार्विक सिल्क वम लार्विक स्पिनिंग करते टाइम इनमें से कौन सा यू, तो इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज नहीं किया जाता तो इसका आंसर है आपके लिए फीडिंग स्टैंड फीडिंग स्टैंड जो है वो यूज़ नहीं किया जाता है आपके लिए क्वीन ऑफ टेक्सटाइल किसे कहा जाता है क्वीन ऑफ टेक्सटाइल किसे कहा जाता है तो क्वीन ऑफ टेक्सटाइल कहा जाता है सिल्क को सो सिल्क इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए पार्ट ऑफ सिल्क एग सिल्क सिल्कम एग का पार्ट इनमें से कौन सा नहीं है, Corion, york, gland, so, हमें पता है कि फिलिप ग्लैंड जो है वो एग का पार्ट नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ शेडिंग डाउन ऑफ एक्सोस्केलेटन ऑफ सिल्क वम इज मोल्टिंग माउंटिंग मल्चिंग और ब्रशिंग सो इसमें से राइट right आंसर आपको आएगा दैट इज मोल्टिंग सो शेडिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन ऑफ सिल्क वर्म इज कॉल्ड एज मोल्टिंग नेक्स्ट क्वेश्चन अहिंसा सिल्क इज नेचुरली ऑप्टेंड फ्रॉम कहां से मिलता है सो so, ये जो सिल्क है वो हमें मिलता है एरी सिल्क से ऑप्टेंड फ्रॉम द एरी सिल्क नेक्स्ट क्वेश्चन है मदर मॉथ एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विच डिस मदर मोत एग्जामिनेशन किस डिसीज को एग्जाम करने के लिए यूज किया जाता है या कंडक्ट किया जाता है सो फेब्राइन डिसीज के लिए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द रेरिंग ऑफ सिल्क बम्स फॉर ऑप्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड क्या कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज से कल्चर उसे हम कहेंगे सेरीकल म सिल्क वम के पेस्ट कौन से है इनमें से यूजीफ्लाइज डरमेस्टिड बिटल्स एंड ऑल सो हमें पता है कि सारे के सारे ऊपर दिए गए क्या है पेस्ट हैम के लिए सो एंसर इज ऑल नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जोरस्टा बॉम्बेिस इज सिल्क इज नोन एज यूजीफ्लाइज डरमेस्टिड बिटल्स एंड ऑल So, इसका आंसर है यूजी फ्लाइस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेयरिंग एपलियंस ऑफ सेरिकल्चर सो सेरिकल्चर का रेयरिंग एपेलियंस कौन सा नहीं है रेयरिंग स्टैंड एंट वेल्स, रेयरिंग ट्रेज या हाइव टूल्स सो नाम में ही दिया हुआ हाइव टूल्स सो so, इसमें आएगा नहीं सो so, आपका आंसर बना टूल नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डिसीज इज ऑल्सो नोन एज जॉन्डिस और न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस किसे कहा जाता है तो इसका आंसर है ग्रेसरी नेक्स्ट क्वेश्चन डैश इज अ फंगल डिसीज इनमें से फंगल डिसीज कौन सा है सो फंगल डिसीज इनमें से है सो इज़ अ फंगल से related है? फिर से बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए so, इसका आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ एन एनिमल इनटू द नेक्स्ट स्टेज व्हिच इज मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट फ्रॉम द फॉर्मर इज कॉल्ड देखिए जो फॉर्मर मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर होगा उससे अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर बन रहा है मतलब फॉर एग्जाम्पल एग है एक से लार्वा बना लार्वा से प्यूपा बना तो इसे आप क्या कहोगे तो इसे आप कहोगे मेटामोरफोसिस नेक्स्ट क्वेश्चन सिल्क वर्म एग्स आर फ्लैट इलिपसॉइड

सेरिसिन फाइब्रोइन केसिन बोथ ए एंड बी तो और फाइब्रिन दोनों भी होते हैं तो इसका आंसर बनेगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट ऑप्टेन सिल्क फाइबर से ऑप्टेन किया जाता है तो सिल्क फाइबर जो होता है वो ककून से ऑप्टेन किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन सिल्क इज डैश इन नेचर सिल्क एक्चुअली है क्या तो सिल्क प्रोटीन इन नेचर होता है क्योंकि उनमें बहुत प्रोटीन होता है सो सिल्क इज ऑप्टेन फ्रॉम सिल्क किस ऑप्टेन किया जाता है नीचे कुछ स्पीसीज हमें दिए हैं कुछ इंसेक्ट्स हमें दिए हैं उनमें से क्या है तो उनमें से सही आंसर है अटैकस रेसिना ओके इससे सिल्क ऑप्टेन किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिल्क फाइबर्स आर हेल्प टूगेदर इन अ ककून बाय अ सब्सटेंस सिल्क फाइबर जो है वो सिल्क फाइबर्स ककून में एक साथ जुड़े होते हैं कौन से है so, वो होता है सो वो होता सेरिसीन नेक्स्ट फैमिली टू विच वर्म बिलोंग्स टू सिल्क वर्म कौन से फैमिली से बिलोंग करता है क्लासिफिकेशन सिस्टमैटिक पोजिशन से क्वेश्चन बना है ये सो so, इसका आंसर है फैमिली बॉम्बेडी फैमिली बॉम्बेडी देन नेक्स्ट क्वेश्चन सेंट्रल सेकल्चरल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन गुजरात महाराष्ट्र कर्नाटका केरला सो इसका आंसर है कर्नाटका सो सेंट्रल सेरिकल्चरल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन कर्नाटका देन इन एंड एग लेंग बॉम्बेक्स द नंबर ऑफ एग इज कितने एग्स होते हैं सो so, वो होते हैं टू हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड नेक्स्ट क्वेश्चन मुगा सिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय मुगा सिल्क कौन प्रोड्यूस करता है तो मुगा सिल्क प्रोड्यूस किया जाता है अंतिसिरिया असेमेंसिस, अंतिसिरिया असेमेंसिस से मुगा सिल्क प्रोड्यूस किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइफ स्पैन ऑफ अडल्ट बॉम्बेक्स मोरी इज डैश डेज कितने डेज का लाइफ स्पैन है अडल्ट का बॉम्बेक्स मोरी का तो वो होता है थ्री टू सिक्स डेज नेक्स्ट क्वेश्चन द मेल्स आर आइडेंटिफाइड बाय द प्रेजेंस ऑफ मिल्की वाइट पियर शेप्ड डैश ऑन द मिड पोस्टेरियर पार्ट ऑफ द एट सेगमेंट ऑन द वेंट्रल साइड मेल को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे तो एक मिल्की वाइट पियर शेप की हरलोड्स ग्लैंड प्रेजेंट होती है मिड पोस्टेरियर पार्ट पे एट सेगमेंट के ऑन वेंट्रल साइड सो so, अगर वो प्रेजेंट है तो उससे आप समझ जाओगे कि ये मेल इंडिविजुअल है देन सेरिकल्चर इज अ नेटिव ऑफ सेरिकल्चर नेटिव कहां से है सो इट इज नेटिव फ्रॉम अ चाइना सिल्क इज ग्रोन एक्सक्लूसिवली इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया डैश सिल्क कौन सा सिल्क जो कि बहुत ज्यादा नीजन में किया जाता है ऑफ इंडिया सो so, वो होता है मुगा सिल्क सो so, एरी सिल्क इज ग्रो ऑन एरी सिल्क किस पे ग्रो होता है तो कैस्टर पे एरी सिल्क जो है वो ग्रो होता है नेक्स्ट द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म इज ऑफ डैश डेज थर्टी सिक्सटी फोर्टी फाइव नाइनटी डेज सो वो होता है फोर्टी डेज द लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्क वर्म इज ऑफ फोर्टी फाइव डेज विच स्पीसीज प्रोड्यूस सुपेरियर क्वालिटी ऑफ द सिल्क सबसे अच्छे सिल्क जो है वो कौन प्रोड्यूस करता है कौन सी स्पीसीज प्रोड्यूस करती है तो वो है बॉम्बेक्स मोरी प्रोड्यूस सुपेरियर क्वालिटी ऑफ द सिल्क नेक्स्ट क्वेश्चन द सिल्क मॉथ इन डैश डेज फ्रॉम द डे ऑफ स्पेनिंग द ककून कप थ्री टू सिक्स डेज टेन टू ट्वेल्व 4 to 5 days और 7 to 8 days, तो इसका आंसर है ऑफ लार्वा के एबडोमिन में कितने सेगमेंट होते हैं थ्री सिक्स फोर नाइन सो आंसर इज नाइन सेगमेंट कितने सेगमेंट होंगे नाइन सेगमेंट्स The process by which silk thread is separated from the cocoon is called dash dash the silk. Kya? And options are reeling, spinning, croning, mounting. So, answer is reeling. Next question. Dash are provided to stop ants from crawling onto the trees. Kya? Aap provide kar sakte ho to stop the ants so ant repeller needs smoker or ant wells so the answer is ant wells ant wells are provided to stop the ants next question paraffin paper is coated with a paraffin wax with a melting point of dash degree celsius kitna melting point hoga 55 35 25 75 so melting point hoga 55

और प्यूपा कैटरपिलर, अडल्ट बोथ कैटरपिलर एंड अडल्टो कमर्शियल सिल्क जो है वो ऑप्टेन किया जाता है ककून या प्यूपा से नेक्स्ट, V1 एंड S36 आर द हाई यील्डिंग डैश हाईली सुटेबल फॉर सिल्क वर्म रेरिंग किसकी तो मलबेरी ओके सो V1 एंड S36 आर द हाई यील्डिंग मलबेरी वराइटीज नेक्स्ट क्वेश्चन है मोरिकल्चर इज अ कल्टीवेशन ऑफ मोरिकल्चर में आप किसका कल्टीवेशन करते हैं तो इसका भी आंसर होगा आपका मलबेरी नेक्स्ट क्वेश्चन द प्राइमरी मलबेरी वेरिएंट्स ग्रोन इन इंडिया इज द प्राइमरी मलबेरी वेरिएंट्स ग्रोन इन इंडिया इज ऑप्शन आर मोरिस इंडिका मोरस रूबरा मोरस नाइ नाइग्रा और ऑल सो इसका आंसर है मोरिस इंडिका मोरिस इंडिका Next question hai, Mulberry attains a height of 1.5 to 1.75 meter and is ready for harvest in? Kitne no mein? One month, two years, six months, one. year. So the answer is six month. The next question, Mulberry season occurs dash time a year in the south of India. Kitni So the answer is two times.

सो आइडियल रेंज होती है 6.2 टू 6.8 इसका आंसर क्या है 6.2 टू 6.8 पॉइंट एट द मलबेरी लीव मे बी हार्वेस्टेड बाय डैश मेथड मलबेरी लीव मे भी हार्वेस्टेड बाय डैश मेथड्स ऑप्शंस हैंड पिकिंग कटिंग ट्रैकिंग मैकेनिकल सो इसका आंसर है हैंड पिकिंग मेथड नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स Harvesting of mulberry leaves is done at an interval of dash days by the shoot harvest method. So, options are 20, 70, 45, 120. So, its answer is B. 70 days. Next question. The process of transferring the mature larvae on mountage is called. The process of transferring the mature larvae on the mountage is called options are mounting, molting, skitting or welding. So is answer hai, mounting. So answer is mounting. Next question: the silkworm shades their skin up to dash times per molt. Per molt me time? Options 2, 3, 4, or 1. So the answer is 4 times. Next question. Rearing of young age silkworms up to second molt is called as rearing. Options: smoky, plucky, tender, yeah, chalky. So the answer is chalky. Next question: When the silkworms are matured, they are placed on dash for spining of the cocoons. Mountage, bandrika, latika, and mountaineer. So. इसका आंसर है माउंटेज नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग सिंगल यान आउट ऑफ डिसकंटिन्यूस फिलामेंट्स ऑफ ककून इज नोन एज रीलिंग स्पाइनिंग क्रोनिंग या माउंटिंग एंड द आंसर इज स्पिनिंग आंसर इज स्पिनिंग नेक्स्ट क्वेश्चन द टर्म सेकर इज यूज फॉर सेरिकल्चर किस लिए यूज किया जाता है

नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रोसेस ऑफ किलिंग प्यूपा इन साइड द ककून इज टर्म एज द प्रोसेस ऑफ किलिंग प्यूपा इन साइड ककून इज टर्म एज स्टिंग क्रोनिंग माउंटिंग इसका आंसर है ए स्टिफलिंग नेक्स्ट क्वेश्चन स्पुन सिल्क इज अ काइंड ऑफ क्या है एक्सलेंट सिल्क हो सकता है गुड सिल्क होता है वेस्ट सिल्क होता है या नहीं

सिलेक्शन ऑफ क्वालिटी सीड्स ब्रशिंग क्वालिटी ऑफ फूड या ऑल सो ऊपर के तीनों जो टेक्निक्स है एस्पेक्ट है हमें यूज करने पड़ते हैं सो so, इसका आंसर है ऑल नेक्स्ट क्वेश्चन सिल्क वम रेयरिंग टेक्निक्स इन्वॉल्व डैश ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट कौन से एस्पेक्ट हमें देखने चाहिए एक बेड क्लीनिंग मेथड स्पेसिंग मोल्टिंग माउंटेन इन्वायरमेंटल कंडीशन ड्यूरिंग या सारे ही एस्पेक्ट हमें देखने ड्यूरिंग नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सिल्कव इज कम्पोज ऑफ डैश पार्ट्स डाइजेस्टिव कैनल या डाइजेस्टिव सिस्टम में कितने पार्ट्स होते हैं सो देर आर थ्री पार्ट्स सो द एंसर इज थ्री नेक्स्ट सिल्क बर्म सीज इज टू फीड एंड स्टार्ट टू स्पिनिंग सिल्क राउंड इट्स बॉडी सिल्क बर्म सीज करते हैं उनका फिडिंग बंद कर देते हैं और स्टार्ट करते हैं स्पिनिंग सिल्क राउंड इट्स बॉडी फ्रॉम इन साइड टू आउटसाइड फ्रॉम आउटसाइड टू इन साइड या ऑल सो फ्रॉम आउटसाइड टू इन साइड फ्रॉम बाहर से अंदर की तरफ नेक्स्ट रिलिंग ऑफ सिल्क इज रिलिंग ऑफ सिल्क इज A process of making silk reels, spinning of silk fibres, weaving of silk cloth, yeah, the process of taking silk threads from a cocoon. So the answer is the process of taking silk threads from a cocoon. It's called as reeling. Next question: Which of the following is not a type of silk? Okay, so mulberry, tassar, muga, yeah, moth. So moth, muga silk. सो आई थिंक इसका आंसर मोथ सिल्क है ओके okay? मोत सिल्क इज नॉट अ टाइप ऑफ सिल्क यहां पे एक करेक्शन है इसका आंसर जो होगा वो मोत सिल्क होगा नेक्स्ट क्वेश्चन बॉम्बेक्स मोरी बिलोंग्स टू क्लास किस क्लास से बिलोंग करता है अगेन द क्वेश्चन फ्रॉम द सिस्टमैटिक्स सो इट्स बिलोंग्स टू क्लास इंसेक्टा नेक्स्ट सिल्क ग्लैंड आर डैश इन शेप जो सिल्क ग्लैंड होती है वो किस शेप की होती है ट्यूबुलर स्पेरिकल ओवर या स्पाइर सो इट इज अ ट्यूबुलर इन शेप नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल द मेजर फोर टाइप्स ऑफ सिल्क इज फाउंड ओनली इन द कंट्री चार जो मेजर टाइप के सिल्क है वो कहां पर मिलते हैं तो वो मिलते हैं इंडिया में ओके सो द The silk glands lies ventral to them. Okay. The silk glands lie ventral to the alimentary canal, respiratory system, nervous system, and abdomen. So, it is ventral to the alimentary canal. Next, which is the largest silk producing state of India? So, again the answer is Karnataka. Name the protein by which silk is formed. सिल्क प्रोटीन से फॉर्म होता है किस प्रोटीन से फॉर्म होता है सो द आंसर इज फाइब्रोइन सो फाइब्रोइन इज द प्रोटीन बाय विच सिल्क इज फॉर्म सो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए थे सेरिकल्चर से रिलेटेड ठीक है और इस और सेरिकल्चर के क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे और कुछ वीडियो अगेन कुछ अदर सब्जेक्ट्स के जो वीडियोस है एम जो है वो आपको मिलते रहेंगे इसी चैनल पे अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ कि उन्हें भी फ़ायदा हो सके थैंक यू थैंक यू वेरी